एशियन विवेकानंद अस्पताल में न्यूरो सर्जन डॉक्टर मयंक नक्कीपुरिया और नवजात शिशु रोग विशेषज्ञ डॉक्टर प्रशांत पांडे का कमाल। प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए एशियन विवेकानंद अस्पताल के डॉक्टर्स की टीम ने जानकारी देते हुए बताया कि अस्पताल में एक नवजात शिशु भर्ती किया गया है जिसकी उम्र करीब 15 दिन है। इस बच्चे को एक जन्म दोष बीमारी है जिसको मेडिकल की भाषा में मेनिंगो माइलोकोले कहा जाता है, जिसका साइज 3 सेंटीमीटर था। इस संबंध में डॉक्टर मयंक नक्कीपुरिया ने और जानकारी देते हुए बताया कि बीमारी जन्म दोष है जिसमें रीढ़ की हड्डी और मेनिजेस के बीच एक असामान्य कनेक्शन होता है जो रीढ़ की हड्डी के आसपास दबाव डाल सकता है जिसकी वजह से न्यूरोलॉजिकल समस्याएं हो सकती हैं। इसलिए मेनिंगो माइलोकोले सर्जरी के जरिए इस बीमारी का सफल उपचार किया गया है। ये सर्जरी एक जटिल प्रक्रिया है। अब बच्चा पूरी तरह से स्वस्थ है और एक्टिविटी भी ठीक कर रहा है। इस सर्जरी के लिए परिजनों को कोई भी खर्च नहीं करना पड़ा क्योंकि आयुष्मान योजना के तहत से इलाज संभव हो सका है। मुरादाबाद के एशियन विवेकानंद अस्पताल में डॉक्टर्स की टीम जटिल विभिन्न बीमारियों का सफल उपचार कर प्रतिदिन एक नई ख्याति एशियन के नाम लिख रही है, जिसको लेकर मेडिकल डायरेक्टर डॉक्टर प्रशांत पांडे, रीजनल डायरेक्टर डॉक्टर हिलाल अहमद, सेंटर हेड शोएब मलिक ने न्यूरोसर्जन डॉक्टर मयंक नक्कीपुरिया और बाल रोग विशेषज्ञ डॉक्टर प्रशांत पांडे और उनकी सहयोगी टीम को बधाई दी। क्या नाम है आपका और ये बताइए ये जो बच्चों को परेशानी हुई है, जो इस बीमारी थी तो आपको कब पता चला और फिर उसके बाद आपने क्या ऐसा उपाय किया, कहाँ कहाँ आप लोग गए, कैसे यहाँ आगे निकल? इसकी मम्मी के साथ हॉस्पिटल में अंदर थी, सरकारी हॉस्पिटल में बच्चे का जन्म हुआ नेटवर्क में। जैसे इसके जन्म होने के बाद तुरंत हमें पता चल गया बच्चे के पीछे थोड़ा है। बस इसको बच्चे को वजन वजन करने के बाद इसको एक तरफ साइड में करा, इसकी मम्मी को तैयार करके फिर बच्चे की हम भाग दौड़ में लगे। हमारे यहाँ एक डॉक्टर MBBS जुनेद ऐसी कुछ नाम मेरे ध्यान में नहीं आ रहे, उन्होंने हमें राय मशवरा दिया कि इसको जहाँ भी ले जाओगे अच्छे डॉक्टर के पास, सर्जन के पास लेके जाए। हम इस बच्चे को बिजनौर में लेके गए, धामपुर ले गए, तीसरे दिन पहले यहाँ ही लाए थे, 3 दिन का था। डॉक्टर साहब ने सर्टिफिकेट मंगाया, हमने सर्टिफिकेट बनवाया और इतने बच्चा दिल्ली गया। दिल्ली के बाद फिर यहीं पर आने के बाद हमारा सारा काम हो गया। अब बच्चे की हालत अच्छी है, हमारा बच्चा रो रहा जैसे ये रहा सामने। अब आपको कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। क्या कहना चाहेंगे डॉक्टरों के? डॉक्टर बहुत अच्छे हैं, बहुत प्यारे हैं दोनों ही डॉक्टर साहब, गीते भी थे, स्टाफ भी बहुत अच्छे से बच्चे के साथ परेशान है, बहुत अच्छे से ख्याल रखते हैं। हमारे दर्शकों को बताएं जी, आज हमने आप सबको बुलाया है क्योंकि हमने अपने अस्पताल में एक 15 दिन के बच्चे का, जो कि बहुत छोटा बच्चा है, उसकी हमने एक बहुत ही जटिल सर्जरी की है। तो बच्चे को जन्म से एक जन्म दोष था, उसके कमर में एक नस का गुच्छा बाहर निकला हुआ था। तो वो नस का गुच्छा बस एक पतली सी झिल्ली से ढका हुआ था। तो उसका हमने ऑपरेशन किया है और हमारी टीम का इसमें बहुत बड़ा सहयोग रहा है। स्पेशली मैं शुक्रिया करना चाहता हूँ डॉक्टर प्रशांत पांडे, जो हमारे नवजात शिशु के विशेषज्ञ डॉक्टर हैं, और हमारी एनेस्थीसिया टीम जिसके हेड है डॉक्टर सलील सिंह, जिन्होंने इतने छोटे शिशु को बेहोश करके ऑपरेशन करने में बहुत बड़ा किरदार निभाया है। हमने हमारी टीम ने OT में जो डॉक्टर हैं, स्टाफ हैं, सबने मिलके सर्जरी की और उसके बाद जो इतने छोटे बच्चे का, जिसका खून भी सिर्फ मात्र 500 ml होता है शरीर में 15 दिन के बच्चे का, और बहुत बड़ी गांठ थी, तो उसके बाद का जो केयर है, खून चढ़ाना और बाकी सब, जो हमारे बहुत एक्सपर्ट न्यूनेटल ICU जो नवजात शिशु का विभाग होता है, उसके विशेषज्ञ डॉक्टर प्रशांत पांडे ने उसका ध्यान दिया है। आज दूसरा दिन है सर्जरी का और मैं आपको खुशी से बताना चाहता हूँ कि ना सिर्फ हमने पूरा ट्यूमर निकाला है, जो पूरी गांठ है, नसों को हमने जो उलझन थी वो हमने ठीक की है, और इसमें जो सबसे बड़ा खतरा होता है कि ये निकालने के बाद बच्चों की पाँव की शक्ति चली जाती है, पर हमारे मतलब ईश्वर भगवान हमारे साथ रहा है और हमने बहुत बच्चा पाँव बहुत बढ़िया से चला रहा है, तो बच्चे को कोई क्षति नहीं हुई है, पूरा ट्यूमर निकला है और दूसरे दिन पे आज हम बच्चे को घर भेज पा रहे हैं। तो क्या इससे पहले भी कोई ऑपरेशन इस टाइप का आपने किया है या विवेकानंद हॉस्पिटल में हुआ है? देखिए ये हमने तो काफ़ी किए हैं, हमने काफ़ी ऑपरेशन किए हैं, हमने इससे पहले दिल्ली में काम किया है,
एम्स दिल्ली में भी काम किया है, हमने चेन्नई में भी बहुत काम किया है, फिर हमने पीडियाट्रिक न्यूरोसर्जरी की हमने फेलोशिप भी कोची से की है, केरला से। तो हमने हम ये करते आए हैं, पर विवेकानंद और मुरादाबाद में प्राय करके इतने छोटे शिशु का इतना बड़ा ऑपरेशन नहीं होता है। ये हमने यहाँ विवेकानंद हॉस्पिटल में पहली बार हुआ है और शायद मुरादाबाद में भी कमी होता है। कितना इससे खर्च आया सर? इसमें जो मरीज या परिवार है उसका एक पैसा खर्च नहीं हुआ है, क्योंकि ये पूरी तरह सरकार की आयुष्मान स्कीम के थ्रू हुआ है और उनको शायद एक भी पैसा अपने जेब से नहीं देना पड़ा है। अच्छा, अगर ये ट्यूमर निकाला ना जाता तो भविष्य में बच्चे के लिए क्या प्रॉब्लम क्रिएट होता? देखिए सर, इसमें कुछ चीज़ें हैं कि जो ये ट्यूमर है ना, ये एक पतली सी झिल्ली से ढका हुआ था और वो पानी से भरा हुआ था। तो मैं दाद देना चाहता हूँ, जो उनकी दादी हैं और घर के परिवार वाले भी हैं, वो भी बहुत होशियार है, तो उन्होंने ये एक्चुअली ऑपरेशन होना चाहिए पहले से दूसरे दिन ऑफ लाइफ, पर इन्होंने बहुत जगह घूमा और भी जगह सलाह मशवरा किया, लोगों ने मना किया। दिल्ली में 5 साल की डेट मिली इनको, तो फिर फाइनली इनका भरोसा था इस अस्पताल पे, डॉक्टर पांडे पे और हम पे, तो ये यहाँ आई और फिर हमने इनका समाधान किया। तो 15 दिन थोड़ा लेट हो गया क्योंकि ये बेचारे भटकते रहे, अलग अलग जगह गए, सबने मना किया और फिर फाइनली ये हमारे पास आ पाए। तो ये पतली सी एक झिल्ली होती है बस, और उसी से ही नस पे कवर होता है। अगर ये झिल्ली फट जाए तो स्पाइनल कॉर्ड ही बाहर हवा में आ जाता है, और आप सबको पता है कि अगर वो बाहर आ गया तो इन्फेक्शन पकड़ लेता है, और अगर दिमाग और नसों का इन्फेक्शन होने से इतने छोटे बच्चे का बचना बहुत ही कठिन हो जाता है। क्या स्थिति है बच्चे की और कब तक उसको आराम मिलेगा? बच्चा बहुत बढ़िया है, बच्चा माँ के दूध पी रहा है ना, और बच्चा पाँव चला रहा है जैसा एक नवजात बच्चा होना चाहिए, वैसा नॉर्मल बच्चा है। बच्चे के पेरेंट्स कहाँ के रहने वाले हैं? अच्छा, नेटवर्क जनपद बिजनौर।